हेलो एवरीवन, स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज का जो वीडियो रहने वाला है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और खास रहने वाला है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स का जिन्होंने अमला एयरफोर्स स्टेशन का एग्जामिनेशन दिया था ट्रेड्समैन का और उनका रिजल्ट दोस्तों जारी हुआ था। उनकी जो स्पेशल सेलेक्टेड कैंडिडेट की दोस्तों जो लिस्ट है वो आ गई है कि कौन कौन से स्टूडेंट्स को ट्रेड्समैन स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। साथ ही दोस्तों एक और अपडेट है अम्बाला एयरफोर्स स्टेशन के रिगार्डिंग कि अम्बाला एयरफोर्स स्टेशन का भी दोस्तों रिजल्ट जो है जारी कर दिया गया है। तो इस वीडियो में हम इसी के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आगे आने वाले जितने भी अपडेट्स हो इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी के रिगार्डिंग सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं अमला एयरफोर्स स्टेशन की दोस्तों। तो ये जो आपका ट्रेड्समैन का अभी हाल ही में रिजल्ट आया था दोस्तों रिटर्न एग्जामिनेशन का, इसका आपका स्किल टेस्ट का दोस्तों जो है एडमिट कार्ड और साथ ही आपका डेट मीन्स कि किस डेट को किन स्टूडेंट का एडमिट एग्जामिनेशन होना है मीन्स कि स्किल टेस्ट होना है ये सारा चीज़ इसने जारी कर दिया। तो ये लगभग 1200 के आसपास दोस्तों स्टूडेंट को पास किया गया था, बस उसमें से कुछ ही स्टूडेंट को दोस्तों सेलेक्ट किया गया है। मैं आपको लिस्ट दिखाता हूँ, सबसे पहले लिस्ट देख लीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख पा रहे होंगे मेरे स्क्रीन के ऊपर कि यहाँ पे आपका ट्रेड्समैन का कैटेगरी वाइज जो लिस्ट है आपका कैटेगरी वाइज है, जैसे कि ये OBC कैटेगरी का है, ठीक उसी प्रकार जनरल SC ST सारे कैटेगरी EWS सब का अलग अलग लिस्ट आया है। तो आपको अच्छे से अपना लिस्ट में रोल नंबर चेक करना है। यहाँ पे दोस्तों देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे आपका रोल नंबर मेंशन किया है, आपको 13 तारीख को यहाँ पे उनका मीन्स कि कौन से तारीख को आपको जाना है और कितने बजे रिपोर्ट करना है ये सारा चीज़ मेंशन किया गया है। तो लगभग दोस्तों आपका जो सारा ट्रेड टेस्ट है ये 12, 13 और 14 ये 3 दिनों के अंदर अंदर दोस्तों आपको कंडक्ट कराया जा रहा है अक्टूबर में ही। तो अगर आप भी अपीयर हुए हैं ट्रेड्समैन पोस्ट के लिए अमला एयरफोर्स स्टेशन का, तो दोस्तों सबसे पहले चीज़ आपको ध्यान क्या रखनी है कि आपको अपने पोस्ट ऑफिस से ज़रूर पता करते रहना है कि आपका एडमिट कार्ड आया है या नहीं। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपने ईमेल आईडी भी अगर आपने प्रोवाइड करवाई है तो अपने ईमेल को भी आप चेक करते रहिए, क्योंकि ईमेल पे भी बहुत सारे नोटिफिकेशन जो दोस्तों सेंड किए जा रहे हैं मीन्स कि एडमिट कार्ड आपका ईमेल पे ही सेंड किया जा रहा है। तो इस वजह से ईमेल को आपको चेक करते रहना है और पोस्ट ऑफिस में जा करके कल ही आप पता करोगे क्योंकि आपका जो दोस्तों एडमिट कार्ड है वो कब का जारी कर दिया गया है। लिस्ट आ जाया है लेकिन आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है बहुत पहले। उसके बाद दोस्तों ठीक देखते हैं, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ट्रेड्समैन जो जनरल कैटेगरी से कैंडिडेट्स थे उनका भी यहाँ पे रोल नंबर और डेट यहाँ पे दिया हुआ है, आपका टाइमिंग यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ठीक इसी तरह से दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि OBC कैंडिडेट्स का भी है और नीचे आते हैं तो SC कैंडिडेट्स का, जो SC कैंडिडेट सेलेक्टेड हुए हैं उनका भी दोस्तों यहाँ पे मेंशन किया हुआ है रोल नंबर और डेट कब उनको जाना है। नेक्स्ट है दोस्तों कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि हाउस कीपिंग स्टाफ के लिए जिन्होंने भी अप्लाई किया था अमला एयरफोर्स स्टेशन का, उनका भी दोस्तों स्किल टेस्ट का यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि रोल नंबर उनका मीन्स कि कौन से तारीख को रिपोर्ट करना है, 20 अक्टूबर को इनको 20 अक्टूबर को दोस्तों रिपोर्ट करना है जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है हाउस कीपिंग स्टाफ के। इतने ही दोस्तों सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं और इनको रिपोर्ट करना है 20 अक्टूबर को सुबह 8 बजे। नेक्स्ट है दोस्तों फायरमैन EWS जो फायरमैन ट्रेड के लिए अप्लाई किए थे उनका भी दोस्तों यहाँ पे जारी कर दिया गया है, यानी 12 अक्टूबर को इनका है जो फायरमैन के लिए अप्लाई किए थे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि SC कैंडिडेट्स की जो लिस्ट है आपको यहाँ पे देख पा रहे हो कि इनकी लिस्ट यहाँ पर प्रोवाइड करवाई गई है। नेक्स्ट है दोस्तों ठीक इसी प्रकार अगर आप हम आते हैं तो नीचे आप देख पा रहे हो कि ESM कैंडिडेट्स दोस्तों जो हैं और ट्रेड्समैन के लिए अप्लाई किया था उनका 11 अक्टूबर को ही है और टाइमिंग भी यहाँ पर मैंसन की हुई है। ठीक इसी तरह से दोस्तों यहाँ पे और EWS कैंडिडेट्स जो EWS से बिलोंग करते हैं उनके भी यहाँ पे रोल नंबर एग्जामिनेशन डेट और यहाँ पे स्किल टेस्ट का मीन्स की जारी किया गया है टाइमिंग। अब बात करते हैं दोस्तों अम्बाला एयरफोर्स स्टेशन की। तो अम्बाला एयरफोर्स स्टेशन की दोस्तों उससे पहले आपको एक चीज़ बता दूँ कि आपको ये लिस्ट दोस्तों देखने को मिलेगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहाँ से हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। अब अम्बाला एयरफोर्स स्टेशन की दोस्तों बात करें तो अम्बाला एयरफोर्स स्टेशन का भी दोस्तों रिजल्ट जारी कर दिया गया है। तो कौन कौन से दोस्तों ट्रेड का आपका रिजल्ट जारी किया गया है सबसे पहले उसको आप जान लीजिए। तो आपका जो सबसे पहले दोस्तों ट्रेड आता है यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि मेस स्टाफ के लिए, जो मेस स्टाफ के जो भी कैंडिडेट्स थे उनको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया गया है, उनका यहाँ पर रोल नंबर और यहाँ पे उनकी डेट ऑफ बर्थ दी हुई है और नाम यहाँ पर मैंसन किया गया है। दोस्तों ये जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स है केवल मेस स्टाफ के ये सारे कैंडिडेट्स हैं जिनको कि बुलाया गया है स्किल टेस्ट के लिए और इनका एडमिट कार्ड भी दोस्तों बाई पोस्ट सेंड किया जा रहा है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, उम्मीद करता हूं कि सारी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। इसके लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप को हमारा ज्वाइन करना है जहाँ पर कि आपको सारे अपडेट्स कंटिन्यू मिलते रहेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, तब तक ले धन्यवाद, जय हिंद।